नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप में ये आदत है तो छोड़ दो, वरना आपकी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह जाएगी। जी हाँ, आज इस सेगमेंट में हम एक मोटिवेशनल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, एक नफ्सियाती बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम इन्फेरिटिव कॉम्प्लेक्स यानी एहसास कमतरी जिसको कहा जाता है। इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन क्या होती है, ये जो एहसास कमतरी हो क्या चीज़ है? तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग डैट्स यू आर नॉट एज गुड, इम्पॉर्टेंट और इंटेलिजेंट एज अदर पीपल। जब इंसान जो है अपने आप से दूसरों को ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा जहीन और ज़्यादा अच्छा समझने की कोशिश करे, यह समझ ले तो समझ लीजिए कि वह एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। वो क्लास में जो है, वो ज़िंदगी के हर शोबे में, ज़िंदगी के हर डिपार्टमेंट में अपने आप से दूसरों को फोकियत देता है, दूसरों को अच्छा समझने लगता है, और यही उसकी आदत जो है उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठती है। ये आदत बच्चों में बचपन ही से पैदा होती है। अगर हम इस ये आदत देखें कि बच्चों में किस तरह पैदा होती है, तो हमें पता चलेगा कि जो उनके इंस्ट्रक्टर होते हैं, जैसे उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, ये बचपन ही से बच्चों में जो है इस बात को परवान चढ़ाते हैं कि फला बच्चा जो है वो तुझसे बेहतर कर सकता है, तुझे ये चीज़ नहीं आएगी। ख़ास तौर से जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को ताना देते हैं कि फला बच्चा जो है वो तुझसे काफ़ी ज़्यादा होशियार है, तो ज़िंदगी के किसी मैदान में तरक्की नहीं कर सकता, और यही उसकी जो बात रहती है बचपन ही से उसके जहन में जो है परवान चढ़ जाती है, उसके जहन में जो है बातें फिट हो जाती है, और बच्चा जो है वो आगे जाकर एहसास कमतरी का हर मैदान में शिकार हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस एहसास कमतरी से, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बचे, तो ज़िंदगी के हर शोबे में, हर मैदान में बच्चे की हौसला अफज़ाई की जाए, बच्चे को छोटे छोटे जो है पैमाने पर इनामात दिए जाए, प्राइस दिए जाए, चाहे वो एक चॉकलेट की शक्ल में क्यों ना हो। मैंने इस टॉपिक पर बच्चों की साइकोलॉजी पर तरबियत औलाद नामी एक किताब लिखी है। जो लोग पहला कमेंट जो करेंगे उसको ये किताब मेरी जानिब से मुफ्त दी जाएंगी। आखिर में यही रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो